नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नई सरकार के गठन के बाद 18वीं लोकसभा का संसद सत्र चल रहा है, लेकिन इस बार भी वो उम्मीद टूट गई है जो हर बार संसद सत्र से लगाई जाती है, और वो उम्मीद है शांति की उम्मीद। सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर स्पीकर चुनाव और आज राष्ट्रपति के संबोधन तक कुछ भी 100% ईमानदारी से होता नजर नहीं आया। शपथ ग्रहण में जहां सांसदों ने अपने हिसाब से जय संविधान के साथ अपने नेता की जय की, तो किसी ने जय फिलिस्तीन तक का नारा लगाया। वहीं कल लोकसभा स्पीकर चुनाव के बाद जहां विपक्ष ने परोक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष को ताना मारा, तो उन्होंने भी आपातकाल पर बोलकर कांग्रेस का जी जलाया। और आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में आपातकाल का गैर जरूरी जिक्र करके एक विवाद की शुरुआत जरूर कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए क्यों आखिर आपातकाल के मुद्दे को संसद में विपक्ष को चुभाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। 18वीं लोकसभा में जब सालों बाद यह अनुभव हुआ कि विपक्ष दमदार होगा, कुर्सियां दोनों तरफ बराबर भरी होंगी, मुद्दों को उठाया जाएगा और जनता का भला होगा, लेकिन उससे पहले ही संसद की शुरुआत ने एक अलग ही शंका पैदा कर दी है। संसद में विपक्ष को सवाल से पहले ही जवाब देने की तैयारी की जा रही है और इसकी शुरुआत कल स्पीकर चुनाव के साथ कर दी गई। कल जब प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चयन की घोषणा की, तो राहुल गांधी बधाई देने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल को आते देख इशारे से कहा आइए। राहुल पहुंचे तो पहले बिरला और फिर मोदी से हाथ मिलाया। तब तक संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से किरेन रिजिजू भी आए और तीनों ने मिलकर ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। तब ऐसा लगा जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो खाई पैदा हुई वो पट चुकी है। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी स्थिति बन गई जिसे लगा कि क्या संसद में शांति की उम्मीद भी की जा सकती है। हुआ ये कि आसन पर विराजमान होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं विभिन्न दलों के प्रमुख सांसदों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के बधाई भाषण के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने संक्षेप में अध्यक्ष को बधाई दी। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से ये कह डाला कि उम्मीद है कि विपक्ष की बात सुनी जाएगी, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। लेकिन ठीक इसी के बाद खुद लोकसभा अध्यक्ष इस बार पर पलटवार करते नजर आए और सीधे आपातकाल का जिक्र कर दिया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ने अपने पहले वक्तव्य में 50 साल पहले तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल की जोरदार निंदा की और सदन का माहौल अचानक से बदल गया। इस पर कांग्रेस पार्टी के सांसद खड़े हो गए और शोर करने लगे। वहीं आज सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में 1975 के आपातकाल का गैर जरूरी जिक्र आया। राष्ट्रपति ने एक तरह से लोकसभा स्पीकर का अनुसरण किया। उन्होंने क्या कहा सुनिए। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीती दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तब भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सदन की जैसी शुरुआत हुई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संसद में कई बड़े बवाल और वाद विवाद हो सकते हैं। आपातकाल को मुद्दा बना दिया गया है,
अब बाकी जनहित के मुद्दों का क्या होने वाला है ये आप सोच ही सकते हैं। इसलिए आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोगों का कहना है कि देश में तो अघोषित आपातकाल लागू हुए जो 1975 के आपातकाल जैसा बुरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सदन की जैसी शुरुआत हुई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संसद में कई बड़े बवाल और वाद विवाद हो सकते हैं। आपातकाल को मुद्दा बना दिया गया है, अब बाकी जनहित के मुद्दों का क्या होने वाला है ये आप सोच ही सकते हैं। इसलिए आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोगों का कहना है कि देश में तो अघोषित आपातकाल लागू है जो 1975 के आपातकाल जैसा बुरा है। दो दो मुख्यमंत्रियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में जांच एजेंसियों ने डाल दिया है। देश में इतना बड़ा चुनावी बॉन्ड घोटाला हुआ लेकिन उसमें किसी भी पार्टी के नेताओं को सजा नहीं हुई। वहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि संविधान बचाओ के नारे का भाजपा ने आपातकाल से बदला लिया है। संपूर्ण विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में संविधान बचाओ का खूब नारा लगाया और अब बीजेपी ने संविधान की रट के जवाब में कांग्रेस को आपातकाल से घेरा है। बस अब सवाल है कि क्या अब संसद में शांति की उम्मीद की जानी चाहिए। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।